हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस बायोग्राफी वीडियो में अपन बात करने वाले हैं दानिश जैन के बारे में, जिसमें अपन देखेंगे उनकी एज, गर्लफ्रेंड, फैमिली, इनकम, कार कलेक्शन, हाउस, करियर और साथ ही बात करेंगे कि उनकी डेथ कैसे हुई। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए ये वीडियो। वीडियो स्टार्ट करते हैं उनके रियल नेम से। तो उनका रियल नेम है दानिश जैन, साथ ही उनका निक नेम है एम्ब्रू। दानिश प्रोफेशन से यूट्यूबर, ब्लॉगर, रैपर और एक मॉडल है। दानिश का जन्म 16 मार्च 1996 को हुआ था। इसी के साथ ही दानिश का जन्म कुर्ला ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। साथ ही उनका होम टाउन कुर्ला ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र में है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग केदारनाथ विद्या प्रसारणी इंग्लिश हाई स्कूल कुर्ला ईस्ट मुंबई से कम्प्लीट की है। इसी के साथ ही उन्होंने अपने कॉलेज और ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी शेयर नहीं की हुई है। बात कर लेते उनकी हॉबीज़ के बारे में, तो उनको डांस करना, सिंगिंग करना, राइटिंग करना और इसी के साथ ही घूमना बहुत पसंद था। अब बात कर लेते हैं उनके YouTube करियर के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, दानिश जैन को लाइफस्टाइल और रैप करना बहुत पसंद था। इसी कारण से दानिश ने साल 2012 में एक YouTube चैनल बनाया, जिसमें दानिश अपने रैप सॉन्ग को अपलोड किया करते थे। लेकिन यह चैनल ज़्यादा नहीं चल पाया। फिर दानिश ने अगेन एक और यूट्यूब चैनल बनाया, जिसमें दानिश लाइफस्टाइल पर ब्लॉगिंग किया करते थे। दानिश को इस चैनल पर शुरुआती दिनों में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन दानिश ने उम्मीद ना हारते हुए मेहनत करते रहे। 2 साल के बाद इस चैनल पर दानिश ने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। दोस्तों, आपको बता दें, यह 1K सब्सक्राइबर दानिश के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि इसके बाद से दानिश का पेशेंस काम आया और उनका यूट्यूब चैनल ग्रोथ करना चालू कर दिया। कुछ ही महीनों में दानिश ने अपनी मेहनत से 100K सब्सक्राइबर पूरा कर लिया, जिसके बाद दानिश काफ़ी फेमस हो गए थे, न केवल यूट्यूब पर बल्कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और म्यूजिकली पर भी। इसी साल दानिश के साथ एक कंट्रोवर्सी हो गई, लेकिन दानिश ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया और दानिश डिप्रेशन में रहने लगे। यह समय था साल 2018 का, जब दानिश ने ब्लॉगिंग वगैरह सब बंद कर दिया था, जिसके बाद उनके बड़े भाई गुफान ने दानिश को समझाया, जिसके बाद दानिश आउट ऑफ कंट्री चले गए कुछ समय के लिए। दानिश ने अपने आप को मोटिवेट कर फिर से वापसी की और अगेन वीडियो बनाना चालू कर दिया। लेकिन मानो परेशानी दानिश का पीछा नहीं छोड़ रही थी। दानिश का यूट्यूब चैनल किन्हीं रीजन की वजह से परमानेंटली डिलीट कर दिया गया, लेकिन दानिश ने अपने आप को इतना मोटिवेट कर लिया था कि उन्होंने अगेन न्यू यूट्यूब चैनल बनाया और अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर की वजह से इस चैनल को अगेन कुछ ही महीनों में ग्रोथ करा लिया, जिसके बाद दानिश का चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका था। फिर दानिश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, आपको बता दें, अभी दानिश के चैनल पर 2.61 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है और इसी के साथ ही उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2.57 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर हैं। फिर आया वह दिन जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। बात 20 दिसंबर 1918 की है, जब दानिश अपने फ्रेंड्स के यहाँ से शादी अटेंड कर लौट रहे थे, तभी दानिश के कार का एक्सीडेंट हो गया। बताया जाता है कि दानिश खुद ही गाड़ी चला रहे थे, साथ ही उनके गाड़ी की स्पीड 100 से 110 के करीब रही होगी। तभी अचानक रोड पर कोई पत्थर आ जाने के कारण उनके गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी पोल पर जाकर टकरा गई, जिसकी वजह से उनके शरीर पर काफ़ी चोट आ जाने की वजह से दानिश ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। यह दिन उनके चाहनों वालों के लिए काला दिन था, क्योंकि उन्होंने दानिश जैन को खो दिया था। लेकिन आपको बता दें, दानिश जैन के फैन आज भी उनको जिंदा मानते हैं। आपको दानिश जैन कैसे लगते थे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं उनके फैमिली मेम्बर के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, दानिश जैन ने अपने फादर और मदर से रिलेटेड कोई भी जानकारी शेयर नहीं की हुई है। इसी के साथ ही उनका एक भाई भी है, उनके भाई का नाम गुरफान है। अब बात कर लेते हैं उनके गर्लफ्रेंड के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, दानिश की एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी। उनके मौत के बाद अरिस्फा खान ने खुद इस बात का खुलासा किया था। अब बात कर लेते हैं उनकी इनकम और कार कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, दानिश जैन यूट्यूब से पर मंथ 50 से 70 हज़ार रुपये अर्न कर लिया करते थे। इसी के साथ ही किसी भी ब्रांड एम्बेसडर के लिए 2 लाख रुपये चार्ज करते थे और उनकी नेटवर्थ अप्रॉक्स 70 से 80 लाख रुपये के करीब बताई जाती है। अब बात कर लेते हैं उनके कार कलेक्शन के बारे में। तो नंबर 1 पे थी उनके पास में वॉल्सवैगन, जिसकी कीमत थी 8 लाख रुपये। इसी के साथ ही उनके पास में 2nd नंबर पर एक बाइक थी, जिसका नाम था बेनाली TNT 600i, जिसकी कीमत थी 7 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं उनके हाउस के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, दानिश जैन मुंबई महाराष्ट्र में रहते थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप दानिश जैन के फ़ैन हैं, तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बने रहिए हमारे साथ में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। आपको नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी पर चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।